गाइस हे, आप अगर समझ गए होंगे स्टार्टिंग में ही कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं, अगर आपको समझ में आ गया तो कॉन्ग्रेचुलेशन, बट आपको मिलेगा घंटा। और गाइस ये वीडियो होने वाली काफी इंटरेस्टिंग, तो अभी से लाइक कर दीजिए। मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ आपको लाइक करने के लिए। और वैसे भी हम थीम का ब्रेक डाउन करने वाले हैं आज पॉकेट द मॉन्स्टर की न्यू ओपनिंग की, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स स्टार्ट इट। कनेक्टिवा एवरीबॉडी। अरे भाई, इसमें क्या गाली दी थी जो सेंसरशिप लगा दी, मेरे को बता तो दो। तो गाइस यार, पहले हमें कुहारू और गो और ऐश दिखाए जाते हैं, लाइक ये तो ओपनिंग के लिए एडिशन किया है। तो खैर, अब हम मेन मुद्दे पॉइंट आउट करेंगे। अब यहाँ पर हमें सारे लेजेंडरी पोकेमॉन दिखाए जाते हैं, हर एक रीजन के, सिंगल रीजन के। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि गो और म्यू एक साथ खेल रहे हैं और गो फिर एक पोकेमॉन को पकड़ता है और उसमें से निकलता है स्पार्क। और स्पार्क में से कोई बिजली वाला पोकेमॉन नहीं निकलेगा, तो कौन सा निकलता है? लेजेंडरी बर्ड जैपडोस और उसके दो साथी। और बट यार, मुझे एक बात बताओ यार, आप कि गो ने गैलार फॉर्म वाले लेजेंडरी बर्ड्स को क्यों नहीं पकड़ा? तो एनीवेज, उसके बाद दिखाई जाती है हमें ऐश की फुल टीम। और गाइस यार, इस फाइट में मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है इस समय, क्योंकि यार गो को दो लेजेंडरी बर्ड पोकेमॉन मिलने वाले, मतलब एक मिथिकल हुआ एरोडैक्टाइल और दो। तो गाइस यहाँ पर हमें फिर से दिखाई जाती है ऐश की फुल टीम, और यहाँ पर जैम्पर भी जुड़ चुका है और क्रिस्टल माइन बन चुका है हमारे ऐश की परमानेंट टीम का हिस्सा। और यार गो की टीम की बात करें, अगर उसकी अच्छी टीम बनती है तो ये है, आपके इसमें कुछ पुराने पोकेमॉन भी दिख जाएंगे और नया पोकेमॉन फ्लाइगॉन है। तो यार इसके बाद एक खतरनाक अपडेट होने वाली है, उससे पहले यार सब्सक्राइब कर लो जाकर, कोई पैसा नहीं। और भाई यार, मुझे ये बैटल देखनी है, लुकारियो सिंड्रेस और अर्टेनिटस। अर्टेनिटस की प्रोनाउंसिएशन में गलती होगी तो माफ करो। और यार यहाँ पर हमें एक वाइल्ड एरिया भी इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, यस। और भाई ये जैशियन और जमेजेंटा की थीम भी आएगी इसमें पर। तो यार कुछ समय बाद यार सिंड्रेस यानी कि रेबूट इवॉल्व होगा सिंड्रेस में और वाइल्ड होगा लुकारियो में, ये तो आपको सभी को पता है यार, मैं क्या बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट हमें दिखाए जाते हैं गैंग ऑफ अलोला यार। तो यार ये दो चार दिनों से सेलिपी बहुत हो रहा है, सेलिपी का कुछ इवेंट आना चाहिए यार, जीएस बोर्ड के बारे में भी कुछ बताना चाहिए। तो एनीवेज हमें दिखाए जाते हैं बाद में लूडिकॉल और बहुत सारे मड के, पता नहीं है किस हिसाब से दिखाए जा रहे हैं, बट यार मुझे लग रहा है ब्रोक का लूडिकॉल है ये, यस मास्टर हुआ। और अगले रीजन में हमें एक शहर दिखाया जाता है, ये पता नहीं गैलार का शहर होगा। मैंने कहा था जमेजेंटा और जैक्सन का इवेंट जरूर आएगा, ये देखिए उसका रिजल्ट। और ये भी है जो एक जिम लीडर है गैलार रीजन की फाइटिंग टाइप। और यहाँ पर ऐश मेरे ख्याल से अपने रायलू को ट्रेन करेगा, जैसे कि प्रमोशन वीडियो में हमें दिखाया गया था, या फिर शायद से रायलू इससे बैटल करके जिम बैजेस जीतेगा, पर अनप्रिडिक्टेबल है ये, जैसे इसके थीम में बताया जाता। और यहाँ पर हमें ऐश दिखाया जाता है जो जा रहा होता है पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप टूर्नामेंट में, और फिर से पिकाचू की तकलीफ। और यार फिर से हमारे को एक बार और टीम का लुक दिखाया जाता है, गो की टीम में थोड़ा सा चेंज आया है, यस देख रहे हैं गो की टीम में हेराक्रो, ये पोकेमॉन ना इसको रिप्लेस करके हुआ है। तो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगर वीडियो पसंद आता है ना तो यार लाइक मारो, आज का लाइक टारगेट है यार 16 लाइक्स का, फटाफट कर दीजिए। तो यार अगर चैनल पर नए देख रहे हैं, मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हो, तो यार सब्सक्राइब मारो यार, सब्सक्राइब से ही हमारा पेट पलता रहे, करते रहे यार सब्सक्राइब। तो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।